टारगेट विद्यालोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरीश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आरओ का बैच हिंदी में कह सकते हैं समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच लॉन्च है, यानी हम लोग जो है उसमें कार्य कर रहे हैं। तो मैंने इसके पहले आपसे कुछ बात किया था इस बैच के संदर्भ में, और कल यानी इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक टॉपिक लिया था, वो टॉपिक था वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण का। तो मैंने ये कहा था कि इस वर्तनी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। कल थोड़ा सा हमने एक बेस की बात किया था, उस बेस की बात में हमने आपको थोड़ा सा ये बताने का प्रयास किया कि आपको वर्तनी आपकी कैसे सही होगी, पूर्णतः हमने बात नहीं किया था। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले संस्थान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि 7394926623 ये व्हाट्सएप नंबर है संस्था का, और इस व्हाट्सएप नंबर पर एंट्री आरओ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ लिख करके आप अपने व्हाट्सएप से एक व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर, और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपसे संपर्क करेगी, आपको पूरी इसकी जानकारी दे देगी कि कैसे एडमिशन प्रोसेस है, कैसे क्या है। स्क्रॉलिंग नंबर चल रहे हैं या तो उन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं जो भी आपको नंबर इस स्क्रॉल बॉक्स में चल रहे हैं, तो इस पर भी आप बात कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है अगर इस स्क्रॉल से नहीं बात करना तो आपको ये नंबर हैं, ये एक्टिव नंबर हैं और इस पर अभी आप बात कर सकते हैं। 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में हमारे जो भी काउंसलर रहेंगे वो काउंसलर आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी जो भी जिज्ञासा होगी या जो आपके प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। हम लोगों से पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो अच्छा रहता है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको संस्था के द्वारा मिल जाएगी। आइए चलिए हम चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, चलते हैं मुख्य बिंदु पर, चलते हैं जहां से हमको गेन करना है, यानी जहां से हम सफलता के नजदीक पहुंचते हैं। तो आप जो है, मैंने कहा था कि कल की वीडियो में मैंने कुछ नियम पर बात करने वाले थे, आज हम उन नियमों पर बात करेंगे, यानी हम वर्तनी शुद्धिकरण जो है यानी इस वर्तनी के बारे में हम बात करेंगे कि वर्तनी शुद्धिकरण कैसे हो, इसी को लेकर के कुछ नियम, बेसिक नियम पर हम बात करते हैं। देखिए अगर हम नियम एक की बात करें तो यानी हम इसको कुछ नियमों के अंतर्गत रह करके आपसे वार्तालाप करेंगे। ये नियम सर्वान नियम नहीं है बल्कि ये मेरे द्वारा ही बनाए गए ये कुछ नियम हैं जिसके आगोश में हम बात करते हैं, पढ़ाते हैं। नियम एक के अंतर्गत हम क्या बात करते हैं और क्या समझाते हैं आपको, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं। देखिए आपको यहां पर सबसे पहले अगर हमको वर्तनी को शुद्ध करना है, सही करना है, हमको जो स्वर है उसको जानना पड़ेगा, और आ छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ
ओ औ, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, स्वर हो गए, ठीक, जिसको आप जानते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, ये भी आप जानते हैं। इसके पहले, ये तो हमारे 11 जो स्वर हैं, इसको हम अब मात्रा में कन्वर्ट कर दें। तो पहला हमारा जो नियम है वो बेसिकली स्वर के परिवर्तन से है, मात्रा से संबंधित, मात्रा से संबंधित शुद्धिकरण, ठीक है, मात्रा से संबंधित शुद्धिकरण, ठीक। ये पहला नियम हमारा है। तो आपको पहली बात इसमें यह भी जाननी है कि मात्रा क्या होती है, मात्रा किसे कहते हैं। अगर इतना आप जाने, आप तो स्वर जानते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा मात्रा जानिए क्या होता है। देखिए, स्वर ही हमारे क्या होते हैं, मात्रा होती है। लेकिन कब होती हैं स्वर, कब मात्रा होते हैं, जब किसी व्यंजन के साथ वो जुड़ते हैं। यानी कोई भी अगर अर्ध व्यंजन है और अर्ध व्यंजन के साथ जब मात्रा जुड़ जाता है, जब स्वर जुड़ जाता है, मात्रा नहीं, जब स्वर जुड़ जाता है, तो वह मात्रा का रूप परिवर्तित कर लेता है या वह मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो बल्कि मात्रा और कुछ नहीं है, इस स्वरों का ही परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कि अब आपको ये क्या है, आ है, तो जब तक हम आ लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा आम लिखा, ठीक है, आम लिखा। तब तक, जब तक यह आ लिखा गया है, तब तक ये स्वर है। लेकिन जब इस स्वर को हम अर्ध व्यंजन के साथ मिला देते हैं, मान लीजिए यह क है आधा और ये धन आ है, तो यह मिल करके क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, और ये शब्द क्या, मैंने मान लीजिए काम लिख दिया। तो अब ये का जो है, यह आ जो है, यह क्या है, मात्रा है। यह आ क्या है, मात्रा है। और जब यह मात्रा हो गया, बल्कि ये आ जो है, ये मात्रा हो गया, यह आ क्या है, बेसिकली स्वतंत्र रूप से स्वर है। जब किसी अर्ध व्यंजन के साथ यह स्वर मिलता है, तो वह मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। अब यह क्या हो गया, यह मात्रा में परिवर्तित हो गया। तो अब आप ये देखेंगे, जो ये अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे अगर आप ये जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका स्वर होते हैं, तो ये 11 इनकी संख्या हो गई, ये तो ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये तो 11 संख्या स्वरों की हो गई। लेकिन मात्रिक स्वरों की संख्या, यानी मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती, यानी आ की मात्रा ऐसे बनाया जाता है, एक, छोटी ई की मात्रा ऐसे, बड़ी ई की मात्रा ऐसे, छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार, बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार, री की मात्रा इस प्रकार, ए की मात्रा इस प्रकार, ऐ की मात्रा इस प्रकार, ओ की मात्रा इस प्रकार, औ की मात्रा इस प्रकार, ठीक है। अब इसको काउंट जब आप करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी अगर हम ये कहें कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या
10 होती है, ठीक है। और वैसे हिंदी में सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, ठीक है। अ जो है यह अ, इसे हम अमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम अमात्रिक स्वर कहते हैं, अमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी अ को हम मात्रा में नहीं काउंट करते हैं। अब यहां पर जो आपके सामने समस्या खड़ी होती है, उस समस्या सबसे पहले कहां पर आकर के ये बात आती है कि कैसे वर्तनी शुद्धिकरण में हम कहां पर गलतियां करते हैं, ठीक है। तो वर्तनी शुद्धिकरण में मुख्यतः दो प्रकार की हमारी गलतियां होती हैं, ठीक है। अब पहली गलती कौन होती है? तो पहली हमारी जो गलती होती है वह मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक हम क्या करते हैं? मात्रात्मक गलती करते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारी गलती होती है वह वर्णात्मक होती है। वर्णात्मक गलती होती है, ठीक है। वर्णात्मक गलती हम करते हैं, यानी दो प्रकार की हम यहां पर गलतियां करते हैं। बेसिकली हम बेस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम मात्रात्मक गलतियां कर रहे हैं, यानी मात्रा से रिलेटेड गलतियां कर रहे हैं, तो कौन कौन? अगर वर्णात्मक गलतियां कर रहे हैं तो प्रायः कौन सी गलती हो रही है, इसको अगर समझेंगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मात्रात्मक रूप में हमारी जो गलती हो रही है वो कौन सी हो रही है? बेसिकली चार प्रकार की गलतियां हमारी होती हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं बड़ा बेसिक लेवल से लेकर के चल रहा हूं और बहुत कोई हाय तौबा नहीं मचा है कि एकदम कल ही एग्जाम है और जल्दी जल्दी हम समाप्त करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिकली वीडियो है, इसके बावजूद भी मैं आपसे यह विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं कि आप नोट्स बनाते चलिएगा, आप इसको लिखते हुए चलिएगा, तो संभवतः आपके जीवन में कभी भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी, गलती नहीं होगी। ये बेसिक बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चाहे एग्जाम आप जो इच्छा कर दीजिए, चूंकि आरओ एआरओ में आपको यह स्पेशली यह टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए मैं इस पर विशेष आपसे जोर दे रहा हूं। अन्य परीक्षाओं में होता क्या है कि कभी आता है कभी नहीं आता है, इसलिए लेकिन जानना आवश्यक होता है। आप आम दिनचर्या में अगर कुछ लेखन करते हैं तभी भी आपकी वर्तनी सही होनी चाहिए। अब यहां पर अगर हम मात्रात्मक गलतियों की बात करते हैं तो देखिए, हम चार प्रकार के मात्रात्मक गलती की आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यही गलती करते हैं। बाकी तो गलतियां अन्य स्थानों पर भी होती हैं, लेकिन छोटी मोटी गलतियां होती हैं, बहुत बड़ी गलती नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है और कभी कभी नहीं भी होती है। मात्रात्मक गलती में चार प्रकार की गलती कौन कौन सी हो रही है वह यहां से देख लीजिए। एक गलती जो होती है वह छोटी ई की होती है, ठीक है। पहली गलती आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी गलती जो होती है वह बड़ी ई की होती है। तीसरी गलती जो होती है वह छोटा ऊ की होती है।
और चौथी जो गलती है वह बड़ा ऊ की होती है। ध्यान दीजिएगा, छोटी ई की जो गलती है वह स्वर में नहीं गलती होती है, कभी कभी स्वर में होती है, अभी मैं बता रहा हूं, नहीं तो बेसिकली छोटी ई की गलती मात्रात्मक रूप में होती है, मात्रा के रूप में होती है। बड़ी ई की भी गलती क्या होती है, यह मात्रा के रूप में ही होती है, मात्रा के रूप में। छोटी छोटा ऊ की गलती किस में होती है, यह भी मात्रा के रूप में होती है, और बड़ा ऊ की भी गलती किस में होती है, यह भी मात्रा के रूप में ही होती है। मेरा अपना मानना है कि अगर ये चार मात्रात्मक गलतियां सुधार ली जाएं, तो निश्चित तौर पे आपको गलतियां आपकी नहीं होंगी। और मुझे ये लगता है कि लगभग यहां से आपको 75 से 100 शब्द हम मैक्सिमम मान लेते हैं, ये बहुत मैक्सिमम हम शब्द लेकर चलते हैं, मिनिमम की बात नहीं करते हैं। अगर हम 75 से 100 शब्द ढूंढ लेते हैं, इसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये मैं मैक्सिमाइज किया हूं, यह आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वह 25 से 30 शब्द हैं, ठीक है। अगर 25 से 30 शब्दों पर हम विशेष ध्यान दे दें तो हमारी गलतियां यहां से दूर हो जाएंगी, यानी हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं तो बात कर लेता हूं नहीं, बात करना भी पड़ेगा और आपको इस पर अभ्यास भी करना पड़ेगा। कारण यह है कि जो इस समय आपको मैं पढ़ा रहा हूं और जो इस समय आप पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली प्राथमिक विद्यालय की ये शिक्षा है, ये आपके स्तर की शिक्षा नहीं है, ये हम प्राथमिक स्टेज की आपको ये बातें बता रहे हैं। आप अगर सुने होंगे, हो सकता है नाम सुने हो, 12 खड़ी की नाम सुने हो, कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, एक आपकी 12 खड़ी के नाम से जाना जाता था, बचपन में पढ़ा जाता था 12 खड़ी। अगर नहीं आप जानते हैं तो ये जान लीजिए, ये शिक्षा पद्धत की, भारतीय शिक्षा पद्धत प्राथमिक स्तर पर ये दोष है कि आपको ये पढ़ाया नहीं गया है। बहुत सारे पहले तो बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो ये सरकार, इस पर कोई ना सरकार ध्यान दे रही है ना शिक्षक ध्यान दे रहा है, वो सब हटा दिया है। पहले नैतिक शिक्षा हुआ करता था प्राथमिक विद्यालयों में, अब ये मानकर चल रही है सरकार की बच्चा नैतिकवान पैदा ही हो रहा है, इसलिए नैतिक शिक्षा की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो नैतिक शिक्षा नामक जो एक पुस्तक हुआ करती थी वो हटा ही दी है, तमाम प्रकार की आपको शिक्षा दे रही है, शिक्षित करने का प्रयास नहीं हो रहा, बस शिक्षा देने का प्रयास हो रहा है, और वह शिक्षा हमको संस्कारिक शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा बस हम लिए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, संस्कार से युक्त शिक्षा हमको बहुत कम मिल रहा है। तो इस 12 खड़ी की अगर हम बात करते हैं, तो 12 खड़ी हमको बचपन से जब पढ़ाया जाता था तो यही हमारे वर्तनी शुद्धिकरण का आधार होता था। 12 खड़ी में 12 वर्ण शामिल किए जाते थे। आपको पता नहीं, आपको मैं लिखूं, क का की कु कू के कै को कौ कं कह
यही आपकी 12 कड़ी हुआ करती थी। आप इसमें देखेंगे कि 12 खड़ी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसे हम 12 खड़ी बोलते थे। और हर एक वर्ण का पढ़ाया जाता था। सिफत ये है, उसी धुन से पढ़ाया जाता था। कक्का, किक्की, कुक्कू, केके, कौ, को, कौ, कंकह, ऐसा पढ़ाया जाता था। तो कक्का, किक्की, कुक्कू, केके, को, कौ, कंकह, उसी लय से बोला जाता था। इसी प्रकार से खखा पढ़ाया जाता है, ख से पढ़ाया जाता, सब वर्ण का पढ़ाया जाता था। खखा, खिखी, खुखू, खेखे, खौ, खो, खौ, खंख, गग्गा, गिग्गी, गेगे, गग्गा, गिग्गी, गुग्गू, गेगे, गो, गौ, गंग, घघा, घिघी, घुघू, घेघ, घो, घौ, घंग, अंग, कुछ नहीं होता था। फिर चचा आता था, चचा, चिची, चुचू, चेचे, चौ, चंग, चह, ऐसा बोला जाता था। तो ये क्या है ना कि पूरा का पूरा पढ़ाया जाता था। अब तो बचपन की चीजें हैं, लेकिन आप विस्मृत हो जाता है, नहीं तो पहले के टोटल का टोटल वर्ण का याद होता था। तो जब बच्चा ये जानता था कि ये छोटी ई है, अब तो आपसे ये पूछा जाए, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को पूछा जाए, भाई ये की और ये की कहां पर प्रयोग होता है। हम वाक्य शुद्धिकरण पढ़ाएंगे, वहां पर भी बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये स्पष्ट ही नहीं है कि ये की हम कहां लगाते हैं और ये की कहां लगाते हैं। आखिर कब इसका हम प्रयोग करते हैं, की का प्रयोग कब करते हैं, की का प्रयोग कब करते हैं, हम क्यों नहीं इसके स्थान पर इसका प्रयोग कर देते हैं, क्यों नहीं इसके स्थान पर इसका प्रयोग कर देते हैं। अब तो पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ करता था बचपन में, ये भी नहीं पता है। जब हम वाक्य शुद्धिकरण पढ़ाएंगे, अगर पता होगा आपको तो ठीक है, नहीं पता होगा, वाक्य शुद्धिकरण हम पढ़ाएंगे तो वाक्य के अंतर्गत इसको बताएंगे कहां पर प्रयोग किया जाता है, इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। आप आंख मूंद करके इसको प्रयोग कर लेंगे, भाई कहां पर छोटी की लगाएंगे, कहां पर बड़ी का की लगाएंगे। तो ये तो हम ऑलरेडी आपसे क्या कर लेंगे, बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। आज हम जो है ये बता रहे थे कि मात्रात्मक त्रुटियां जो हैं इस रूप में भी, हम इन्हीं मात्रात्मक त्रुटियों में जो चार आपको मैंने बताया, इसको यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये चार अगर आप सुधार लिए तो आपके काम क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसी को हमने आपसे बताया है, ठीक है। चलिए, एक तो आपका नियम एक के तहत मात्रात्मक रूप से हो गया ये। अब इन दूसरे प्रकार की इस वर्णात्मक गलतियों पर हम बात कर रहे हैं कि वर्ण से रिलेटेड गलतियां होती हैं, लेकिन वर्ण से रिलेटेड कौन कौन कैसी गलती होती है इसको हम बताने से पहले आपको आज एक जो है बात करते हैं एक मात्रात्मक त्रुटि पर। इसी मात्रात्मक त्रुटि में हम र को उठाते हैं, ठीक है, र को, और र में केवल हम छोटा ऊ और बड़ा ऊ की बात करते हैं, यानी कि अब हम उस पर आते हैं कि जहां से आपको कुछ जानकारी भी हो और आप लेखन कार्य करें। तो दो प्रकार से हमेशा आप देखेंगे र को, हम र से संबंधित गलती की बात कर रहे हैं कि इस र को लेकर के आप कहां कहां गलती करेंगे मात्रा के संदर्भ में। देखिएगा, एक होता है र पर छोटा ऊ लगता है,
और एक होता है रॉ पर बड़ा ऊ लगता है, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ का काम होता है। देखिए, जब भी रॉ पर छोटा ऊ लगेगा तो यह ऐसे होता है, और रॉ पर जब बड़ा ऊ लगता है तो यह ऐसे होता है। लेकिन भारतीय वर्णमाला पद्धति या लेखन, मात्रात्मक रूप में जो हमारा लेखन होता है, हो रहा है, उसका हम दोष कह लें या हम सुधार की गुंजाइश नहीं कह रहे हैं, इस प्रकार कर लें, इसमें हमको लगता है अमूमन लड़का जो है वह कंफ्यूज हो जाता है और गलतियां कर देता है। बहुत सारे विद्यार्थी तो हमारे जान ही नहीं पाते हैं कि ये भी ऐसा है, क्योंकि जो लेखन पद्धति है यह रॉ धन छोटा ऊ और रॉ धन बड़ा ऊ कि जो लेखन पद्धति है वह इस रूप में नहीं लिखा जाता है, वह ऐसे लिखा जाता है। बड़ा ऊ जब लिखा जाता है तो यह ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से। बात यही है जो मैं यहां लिखा हूं, लेकिन अगर हम ऐसा मात्रा लगा दिए तो हम गलत हो जाएंगे, यानी हम सही नहीं होंगे। अगर मात्रा ऊ की इस प्रकार से लगती तो संभवतः हम हमेशा सही रहते और हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ये नहीं जानते हैं ये रू और रू दो प्रकार के हैं, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। मैंने ये देखा है क्लास में, ये देखा है कि जब ये गुरु है और गुरु है, ठीक है, इन दोनों में बेसिकली अंतर लोगों को नहीं पता है, काफी बच्चों को नहीं पता है, वो सोचते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन ना जी, दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है। यहां पर आप ये देखिए कि गुरु और गुरु, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियों बताएं, यानी गुरु और गुरु ये दोनों के अलग अलग रूप हैं। ये जो गुरु है, ये जो छोटा ऊ मात्रा है, अगर हम इसको स्पष्टीकरण की प्रक्रिया में लिखें तो गुरु ऐसा लिखेंगे और इसको हम कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो ये जो गुरु है, गुरु मतलब क्या होता है, आचार्य होता है, गुरु मतलब आचार्य होता है, गुरु मतलब शिक्षक होता है, जो पढ़ाने वाला है, आपके गुरु होते हैं। और ये गुरु होता है, गुरु मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, गुरु मतलब क्या होता है, दीर्घ होता है, दीर्घ होता है, ये होता है। अब आप ये सोचिए कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, समीक्षा अधिकारी में पूछा है गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहा है या गुरु आ रहा है, गुरु गुरु जी आ रहे हैं, इस प्रकार से चार सेंटेंस बनाया है। जब वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम बताएंगे। तो वाक्य और वर्तनी शुद्धिकरण में कभी कभी वाक्य शुद्धिकरण में वर्तनी शुद्धिकरण ही पूछता है,
इस प्रकार से वहां पूछा गया है। तो ये गुरु जो होता है इसका विलोम क्या होता है, गुरु का विलोम क्या होगा, शिष्य होगा, और गुरु का विलोम क्या होगा, लघु होगा, लघु होगा। तो आप र को लेकर के, र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ को लेकर के आपसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है और हमेशा क्या करते हैं, आप गलत कर देते हैं। तो पहला तो ये क्लियर कर लीजिए कुछ शब्दों पर जहां से आपको पूछे जाते हो जो शब्द, कुछ हम प्रमुख शब्दावलियों पर बात आपसे करते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम वर्णगत पर बात करेंगे। ये मात्रा ऊ की मात्रा में हम बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारी मात्राओं पर हमसे बात आपसे बात करनी है। तो पहला ही शब्द र को लेकर के हुआ, यानी ये रू और ये बड़ा रू को लेकर के बात हो रही है। आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि आपको जब भी पूछा जाता है 90% आपको छोटा ऊ ही मिलेगा, 10% किसी किसी शब्द में आपको बड़ा ऊ मिल जाएगा, नहीं तो आपको 90% केसेज ऐसे होते हैं कि जो छोटा ऊ ही जब लिखा है तभी सही माना गया है। एक कोई नियम नहीं है, लेकिन ये नियम भी है आपकी जानकारी के लिए जो मैं बता रहा हूं। बड़ा ऊ र के साथ बड़ा ऊ, इस प्रकार से ये बहुतायत नहीं आते हैं, यानी बहुत ही कम आते हैं। जब भी सही होंगे तो ये छोटा ऊ ही सही होंगे, ठीक। अगर हम जैसे मान लीजिए कि कोई हम शब्द लिखते हैं, अगर हमने शब्द लिखा गरुण शब्द लिखा, ठीक है, मान लीजिए गरुण शब्द लिखा, अब या तो गरुण ऐसे लिख लेंगे या तो आप गरुण ऐसे लिख देंगे, ऐसे, हालांकि दोनों देगा नहीं, कुछ ऐसा बदल करके देते हैं। अगर आप, मैं साल भी करवाऊंगा वहां पर भी आपको बताऊंगा, और या तो आपको इस प्रकार से दे देंगे, गारुण दे देंगे, मतलब चार विकल्प आपको दे देंगे। कभी कभी गरुण ऐसे भी दे सकते हैं, इस प्रकार से भी दे सकते हैं, गरुण ऐसे भी दे सकते हैं। तो मैंने अभी बताया वर्णगत, मैं शुद्धिकरण में बताऊंगा ड़ ड़ के भेद क्या होते हैं, वहां पर मैं इसको बताऊंगा। अभी क्या है, इन्हीं दोनों में आप समझिए। मैंने कहा 90% केसेज आप छोटा ऊ को ही विकल्प का चयन करिए। ये गरुण है, गरुण नहीं होता है, आप बोलते क्या है, गरुण बोलते हैं। तो आप प्रोनंसिएशन पर ध्यान दीजिए, प्रोनंसिएशन आप करिए, जितना अच्छा प्रोनंसिएशन करेंगे उतना ही अच्छी वर्तनी आप लिखेंगे। तो गरुण इसमें सही कौन है, यह आपके सही हो जाते हैं, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो शुद्ध और अशुद्ध की जब आप बात करेंगे तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है, शब्द लिखा गया है रुग्ण लिखा गया है, रुग्ण, तो रुग्ण लिखा गया तो आप बोल क्या रहे हैं, रुग्ण बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं भाई, रुग्ण। और एक हो रहा है रुग्ण हो रहा है, रुग्ण हो रहा है, आप बोलते क्या है, रुग्ण अवस्था, यानी बीमार अवस्था, मान लीजिए रुग्ण। तो रुग्ण जो है आपका कौन सा सही है, जहां पर छोटा ऊ की मात्रा लगा है, यानी र में छोटा ऊ की मात्रा लगा है, ये रुग्ण क्या हो जाते हैं,
सही हो जाते हैं। अगर हम मान लीजिए लिखते हैं तरु, लिखते हैं तरु, लिखते हैं तरु मतलब क्या होता है भाई, वृक्ष होता है, तो बोल भी क्या रहे हैं, तरु बोल रहे हैं ना, तरु बोल रहे हैं कि तरु बोल रहे हैं, आप बोलते क्या हैं, तरु बोलते हैं, तो तरु बोलते हैं तो तरु लिखिए, क्यों तरु लिख रहे हैं, छोटा उ की मात्रा। हम अगर लिखते हैं कहीं कहीं पर, जैसे एक शब्द आता है घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, घुंघरू, तो घुंघरू आप कैसे लिखेंगे, घुंघरू कैसे लिखाएगा भाई, इसमें भी देखिए रू है, घुंघरू। अब ये बताइए घुंघरू ऐसे लिखा जाएगा कि घुंघरू ऐसे लिखा जाएगा, कौन सा इसमें सही है। मैंने कहा कि लगभग वही बातें सही होती हैं जो आपको जानकारी होती हैं या जो आप जानते हैं। घुंघरू है, आप बोल क्या रहे हैं, घुंघरू, तो घुंघरू जब बोल रहे हैं तो घुंघरू घुंघुर नहीं बोल रहे हैं, घुंघुर नहीं बोल रहे हैं, घुंघरू बोल रहे हैं, यहां देखिए बड़ा उ की मात्रा बोल रहे हैं, तो प्रोनंसिएशन जब बड़ा उ की हो रहा है तो आपके शब्द भी घुंघरू ही लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा। अगर हम रूह बोल रहे हैं, रूह, मेरी रूह कांप गई, तो रूह कांप गई, अब ये बताइए अब रूह ऐसे लिखेंगे कि रूह ऐसे लिखेंगे, रूह मतलब रोम होता है रूह, तो रूह कौन सा सही है, तो आप रूह नहीं शब्द होता है बल्कि क्या है, रूह शब्द होता है रॉ को लेकर के, आपको बड़ा ऊ का मिल गया। लेकिन आप, मैंने कहा 90 जैसे चारुता है, तो अब चारुता लिखा गया है, चारुता, अब चारुता ऐसे नहीं, चारुता, चारुता नहीं है, चारुता है, शब्द क्या है, चारुता है, शब्द क्या होता है, पौरुष होता है, पौरुष, ननकाना की ओर चलो यदि पौरुष ने ललकारा है, दुनिया वालों दूर हटो, ये हिंदुस्तान हमारा है, पौरुष, छोटा ऊ की मात्रा। आप जब भी देखेंगे लगभग में आपको छोटा ऊ ही मिलेगा सही के रूप में, लेकिन ये 100% नहीं है। तो ऐसे कुछ शब्दों पर क्या किया जाएगा, हम लोग बात कर लिया जाएगा जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं भाई कि घुंघरू कैसे लिखा जाएगा, तो अब तो क्लियर हो जाएगा आपको, रूह कैसे लिखा जाएगा, तरु कैसे लिखा जाएगा, गरुण कैसे लिखा जाएगा, रुग्ण कैसे लिखा जाएगा, चारुता कैसे लिखा जाएगा, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि अब गलत करना चाहिए आपको, और गलतियां होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको रॉ से रिलेटेड, रॉ में ऊ की मात्रा को रिलेटेड, यानी छोटा ऊ आबलिक बड़ा ऊ को लेकर के प्रायः ये द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रहती है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, सही है कि नहीं है, इस पर हमने आपको थोड़ी सी बातें बताई। अभी हम इसके छोटी ई, बड़ी ई,
और भी अन्य वर्णागत वर्णगत जब हम त्रुटियों पर बात करेंगे तो वर्णगत त्रुटियों को पहले हम बताएंगे कहां कहां से आपकी गलतियां हो सकती हैं, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद से हम अन्य पर बात आपसे करेंगे, ठीक है। तो इसी अभी एक क्रम चलता रहेगा, अभी इसका मेरा नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसमें भी हम कुछ आपसे बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय हिंद।